हेलो गाइस, तो मैं हूँ ग्रैनी, इस दुनिया की सबसे महान राक्षसनी और डायन भी कह सकते हैं। मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। अभी मैं आजकल हम बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी किडनैप करके लोगों को मार मार के पैसे कमा रहे हैं। आजकल हमारे दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो चलो एक बार लिटिल सिंघम के घर पे भी जाके आते हैं और देख के आते हैं आखिर वो आजकल करता क्या है। हमें पकड़ता नहीं है, क्या बात है। अरे इतनी सारी गाड़ी कैसे गए यहाँ पे लिटिल सिंघम के घर पे? ओ भाई साहब, यहाँ पे तो गाड़ियों का भंडार है, एम्बुलेंस भी आई हुई है यहाँ पे तो। अरे यार क्या चल रहा है भाई, इतनी सारी अगर गाड़ी चुरा ली तो भाई बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। गाड़ी चुरा ले क्या? अरे मगर एक सेकंड, रुको, यहाँ पे पहले ही पुलिस आई हुई है। ओए पुलिस वाले रुक जा, लगता है वो चले गया। चलो बढ़िया है, पुलिस वाले मेरे पीछे नहीं पड़ा। एक बार उतरो, देख के आता है आखिर इतनी सारी गाड़ी आई कैसे। चलो जल्दी से अपन चलते हैं। ऐसा करते हैं, इधर सामने वाले घर के अंदर छलांग लगा के जंप करते हैं। अगर इतनी सारी गाड़ी चुरा ली तो बहुत मजा आ जाएगा भाई, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। गन निकालो, देखते हैं लिटिल सिंघम के घर पे आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। अरे कीको, यहाँ पे कीको खड़ा है। ए कीको, नहीं, आवाज मत लगाना। रुको गाइस, अभी चलते हैं। उतरो यहाँ से, नीचे उतरो और देखते हैं। अब यहाँ पे रुको, इधर बाहर आ जाओ। अब देखते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है। गाइस प्रॉब्लम क्या है समझ में आ जाएगी। अरे यार यहाँ पे बहुत सारे जने आए हुए, छुप के रहो भाई। यहाँ पे तो कीको और यार ग्रैनी के भाई साहब सभी के सभी दुश्मन लोग हैं यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं? रुको गन निकाल के देखती हूँ मैं। एक सेकेंड भाई, यहाँ पे छोटा शिवा आया हुआ है, लिटिल सिंघम, भीम, छोटा मोटू पतलू। अरे काल मरा पड़ा है यहाँ पे, ये क्या दिक्कत हो गई भाई। अरे यहाँ पे शिवा भी है, काल कैसे मरा पड़ा है? अरे यार मुझे छुप के रहना पड़ेगा। यहाँ पे काल कैसे मरा पड़ा है भाई? ओ नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब क्या करें? लिटिल सिंघम ने काल को कब किडनैप कर लिया मुझे तो पता ही नहीं पड़ा। ये किसने किया है? कीको ने किया है, शिवा ने किया है, भीम ने किया है या फिर मोटू ने किया है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता यार। रुको फोन लगा के पूछती हूँ। हेलो संभाला, अरे तेरे को पता है क्या काल कहाँ पे है? जरा बताना काल कहाँ पे। अरे ग्रैनी, काल तो मेरे सामने ही है, मैं उसे देख रहा हूँ, वो मेरे सामने काम कर रहा है। काल तो मेरे सामने ही है। अरे संभाला यार, एक दिक्कत की बात हो गई। मैं अभी लिटिल सिंघम के घर आई हुई थी एंड यहाँ पे मुझे काल मरा हुआ दिख रहा है, या बेहोश है या मरा हुआ पता नहीं। बट तुम एक बार पता करो कि संभाला कि वो जो काल है वो असली काल है या नकली काल है। ठीक है ग्रैनी, मैं पूछता हूँ अभी। ये देखो ये रहा काल। हे काल, अरे काल सुनो यार, एक बात बताओ, अभी मुझे ग्रैनी कुछ बोल रही है, तुम असली काल हो ना? हे काल, ये काल बोल क्यों नहीं रहा यार, आखिर समस्या क्या है? अरे ये क्या, ये रोबोट है क्या भाई? देखो गाइस, मैंने अभी इसको गिराया, ये फिर योगा करने लग गया। अबे काल उठ जा काल, अबे फिर से योगा कर रहे हैं, ये मुझे बोल क्यों नहीं रहा? अगर मैं काल को छू भी लूं, टच भी कर लूं, तो मुझे मारने लग जाता था, और ये वाला काल तो कुछ भी नहीं कर रहा। अबे ओए काल उठना। अबे यार देखो गाइस, मैंने फिर गिरा दिया इसको और ये फिर योगा करने लग गया। यार मतलब कि ये कहीं रोबोट वाला काल तो नहीं है? इस काल को मारता हूँ मैं, रुको। गाइस अगर ये रोबोट वाला काल हुआ तो कुछ नहीं करेगा, और अगर ये असली काल हुआ तो मेरे को भूंद के रख देगा भाई। ओए रोबोट वाले काल, सुन रोबोट वाले काल, इधर देखो तो सरी भाई, मैं इस रोबोट वाले काल को मार रहा हूँ और ये फिर योगा करने पे लग गया। ओए रोबोट वाले काल उठ खड़ा हो। गाइस मुझे लगता है ये असली में रोबोट वाला काल है, ये तो मर भी गया क्या? अबे यार ग्रैनी को बताना पड़ेगा भाई, ये तो रोबोट वाला काल है। हेलो ग्रैनी, अरे सुन यार, यहाँ पे जो रोबोट वाला काल है ना, वो रोबोट वाला काल है, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो काल है वो रोबोट वाला काल है। जल्दी जाओ उधर और देख आखिर समस्या क्या है, अपना असली काल गायब है। यही तो मैं कह रही थी तेरे को समझ में आ ही नहीं रहा था, यहाँ पे जो काल है ये असली काल है। गाइस मुझे इन्हें कैसे भी करके बचाना होगा। चलो गन तो निकाल लिया मैंने, बट मैं अभी हमला नहीं कर सकती, क्योंकि भाई देखो तो सरी, यहाँ पे सभी के सभी महान हीरो है। कीको, शिवा, लिटिल सिंघम, छोटा शिवा, मोटू पतलू, वीर द रोबोट, भीम, भाई इतने महान हीरो है यहाँ पे। अभी मैं इनको मारूंगी तो ये मेरे को मार डालेंगे भाई, अभी कुछ नहीं करूंगी मैं। ऐसा करती हूँ, इनकी गाड़ियाँ चुरा लेती हूँ, सबसे पहला काम तो ये करूंगी मैं।
इनकी गाड़ी चुरा लो भाई, इनकी गाड़ी चुरा लो। ठीक है, सबसे पहले हम इस गाड़ी को चुराएंगे, जल्दी से सारी की सारी गाड़ी चुरा के लेके चलते हैं। और हाँ, एक सेकंड रुको रुको, मैं जल्दी से दूसरी ग्रैनी को भी बुला लेती हूँ, वो भी सारी की सारी गाड़ियाँ चुरा लेगी। हेलो हेलो ग्रीन ग्रैनी, सुनो, तुम पिंक ग्रैनी, रेड ग्रैनी, येलो ग्रैनी, सभी ग्रैनी को बोलो इधर आए और यहाँ पे से सारी की सारी गाड़ियाँ चुरा के ले जाए। ठीक है, चलो गाइस, मैंने उनको बोल दिया है। अभी देखो, इतनी महंगी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, ये इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी है, और इसको हम अभी चुरा के ले जाते हैं फुल स्पीड से भगा के लेके जाएंगे भाई, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है। अरे हट जाओ जल्दी से, और ऐसा करते हैं इसको पहाड़ वाली जगह पे ले जाते हैं, और इससे क्या होगा कि अपनी सारी की सारी गाड़ी सेफ रहेगी, और उसके बाद में अपन इन सारी गाड़ी को महंगे भाव में बेच देंगे, तो बहुत सारे ऐसे पैसे कमा लेंगे। अरे संभल करके भाई, ओए गाड़ी वाला मेरे को मार कैसे गया। और हाँ, इन सबको पैसे कमा करके जो भी पैसे आएंगे ना, उन सारों से भाई काल को कैसे भी करके हॉस्पिटल में ठीक कराएंगे भाई। काल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और वो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, तो इस वजह से हमें कैसे भी करके ठिकाने पर लगाना पड़ेगा। यहीं पर खड़ी कर देती हूँ मैं गाड़ी, उसके बाद में और गाड़ियाँ लेके आती हूँ। हेलो इवल नन, और संभाला, सुनो जल्दी इधर आ जाओ भाई लिटिल सिंगम के घर पे, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं अपने पास में, सभी को चुरानी है भाई, ये सारी की सारी गाड़ियाँ चुरा के लेके आनी है। ठीक है, जल्दी आ जाओ इवल नन। चलो गाइस, इवल नन को भी बोल दिया है, उनकी भी पूरी की पूरी टीम आ जाएगी और हम ये सारी की सारी गाड़ियाँ चुरा के ले जाएंगे। गाइस, इन सारी गाड़ी को बहुत महंगा बेचने वाले हैं, और ये सारे की सारी लिटिल सिंगम की गाड़ी है। किन की? लिटिल सिंगम की, कीको, शिवा, भीम, इन सभी की गाड़ी है ये। चलो भाई, ऐसा करते हैं ना, उड़ा के लेके चलते हैं। ये याहू, चलो जल्दी से फुल स्पीड से, धीरे। संभल करके, वो रही ना ग्रैनी की गाड़ी, दिख गई मुझे, बस थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे। और इधर लैंडिंग करी ग्रैनी, ये देख मैं तेरे को गाड़ी लेके आ चुकी हूँ। गाइस, क्या उड़ा के गाड़ी लेके आई हूँ मैं, ये देख ये रही गाड़ी। चलो गाइस, अभी तो दो ही गाड़ी किडनैप करी है, मतलब 1 करोड़ और 1.5 करोड़, मतलब अभी तो 2.5 करोड़ का ही हुआ है। इतने सारे पैसों का करेंगे क्या, बस अब ये सोचना है। चलो जल्दी चलो, और ये कौन सा हाथी है पता नहीं। अरे लिटिल सिंगम भैया, इस काल की डेड बॉडी का क्या करना है? ये काल, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये काल असली में मर गया क्या, या फिर ये अभी बेहोश है? गाइस, हमने इसको मारने के लिए बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत करी है। चलो भाई जल्दी से अभी अपन। अरे नहीं शिवा, ये तो केवल बेहोश है अभी, अभी इसको अपन ने मारा है, इसकी सारी शक्तियाँ निकाल ली है, चिंता मत कर, अभी अपन में पे अटैक नहीं करेगा, चिंता मत कर इस बात का। ओए काल के बच्चे, खड़ा हो। सुनो कीको और शिवा, तुम दोनों जाओ और इस काल को हॉस्पिटल लेके आओ, अपन को इससे जानकारी निकलवानी है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ अभी पहले। ठीक है लिटिल सिंगम भैया, ठीक है मैं अभी जाता हूँ और इस काल से जानकारी निकलवाते हैं, मार मार के जानकारी निकलवा लेंगे इस साले से। बता रहे काल के बच्चे, कहाँ पे छुपा रखा है तूने अपना सारा सोना, बता। अरे नहीं कीको के बच्चे, नहीं ऐसा मत करना, अगर ये मार मार के तुम इसे मार दोगे तो अपन जानकारी नहीं निकलवा पाएंगे। ठीक है, समझ में आया, मारना मत इसको, अभी केवल बेहोश है, अपन इसको थोड़ा ठीक करेंगे, फिर उससे जानकारी पूछेंगे, फिर उसके बाद वापस बेहोश कर देंगे। अगर ये जिंदा रहेगा तो बहुत सारे लोगों को मारेगा ना, समझ तो सारी थोड़ा। हाँ समझ गया मोटू, तुम सही कह रहे हो, ठीक है अभी हम लेके जाते हैं। चल शिवा, चलते हैं इसको लेकर के, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो गाइस, अभी हम चलते हैं जल्दी से ऊपर एंड सारे के सारे लेके चलते हैं गाड़ियों में। चलो भाई जल्दी चलो, और ये रहा काल, गाड़ी के अंदर बैठो, जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाओ। और शिवा, अरे शिवा कहाँ गया, शिवा तुम जल्दी से इसकी डेड बॉडी को गाड़ी के ऊपर टिका दो। याहू, कार की डेड बॉडी को हमने कार के ऊपर बांध दिया है, अभी जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। भेड़ मत देना कीको भैया, भेड़ मत देना। अरे हाँ चिंता मत कर, मैं नहीं भेड़ूंगा। चलो तो गाइस जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे एक सेकेंड, मैंने देखा अभी हमारी काफी सारी गाड़ियां चोरी हो चुकी थी। अरे शिवा भैया, तुम सही कह रहे हो यार, वो गाड़ियां बहुत सारी थी, मैं मेरी गाड़ी भी नहीं मिल रही, वो सारी की सारी गाड़ी किसने चुराई? अले मुझे पता है, कोई ना कोई ग्रैनी वगैरह कोई ना कोई आया होगा काल की साइड से, पक्का वही चुरा के लेके गए होंगे। अरे हाँ, पता करना पड़ेगा जल्दी से, लिटिल सिंगम भैया को फोन करो,
मैं तब तक हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसको। गाइस बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी है और अभी तो हमें इसको काल के बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। जल्दी से लेके चलते हैं इसको हॉस्पिटल और फिर पता करते हैं कि आखिर वो किसने चुराई है गाड़ियाँ। और अभी तो इसके अड्डे का भी तो पता करना है कि आखिर काल का अड्डा कहाँ है। तो चलो यार जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं, फुल स्पीड से हॉस्पिटल लेके चलेंगे क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो गई तो भाई बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ मोटू, तुम पीछे बैठे हो ना यार, एक बात बताओ मुझे मोटू, समोसे कितने खाते हो तुम रोज के? अरे यार लिटिल सिंघम भैया, ये कैसा सवाल पूछ लिया यार, भूख लगेगी तो खाएंगे ही ना खाना। अरे हाँ यार, ये क्या सवाल पूछ लिया, चिंता मत करो, डोंट वरी। चलो चलो अभी तो भाई फुल स्पीड से हॉस्पिटल लेके चलना है अपन को, तो जल्दी से इधर घुमाते हैं, आने वाला है बस रास्ता, थोड़ा सा देर और बची है बस, उसके बाद आ जाएगा। अरे लिटिल सिंघम भैया, लिटिल सिंघम भैया, कहाँ पे लेके जा रही हो गाड़ी को? अरे यार कीको शिवो, चिंता मत करो शिनचैन यार, तुम बस देखते जाओ, मेरे को फॉलो करो, देखना मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलवाऊंगा। तो गाइस अभी देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ आप, और मेरे पीछे पुलिस पड़ गई क्या? बच गया भाई, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आया हुआ है, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम जा रहे हैं पहाड़ की साइड में, भाई मैं शिवा और लिटिल सिंघम कीको को से बिना बताए मैं जा रहा हूँ काल को लेकर के पहाड़ के पास में, इसके खजाने की तलाश में। याहू, तो भाई इतनी खतरनाक जंप लगाई है अभी हमने, काल का खजाना मिल जाए बस कैसे भी करके तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे अपन को, और फिर अपन उन पैसों का इस्तेमाल करके बहुत महंगे महंगे घर खरीदेंगे। अले हाँ, ये बात तो सही कही यार, जल्दी चलो, मुझे भी पता है काल के काफी सारे पैसे कहाँ पे रखे हैं, अगर वो सारों का पता मिल गया अपन को तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे यार, चलो चलो जल्दी चलो। गाइस काल के अड्डे का पता बस पल जाए, ओबे ओए काल जल्दी बता दे तेरे अड्डे का पता कहाँ है, नहीं तो तेरे को ऐसे गिरा देंगे धक्का दे दे करके। गाइस देखो मैं इसको कैसे टेढ़ा मेढ़ा घुमा रहा हूँ इसकी गाड़ी को, बेचारा काल तो चक्कर आ रहे होंगे। काल बता तुम्हारा घर कहाँ है? गाइस अबे ओए देख किको, गाड़ी ढंग से चला ले यार, मैं तेरे को सारे पैसे दे दूंगा, बस तू मेरे को जिंदा छोड़ दे। बहुत सारे पैसे दूंगा, 1 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़, तू जितना बोलेगा उतने पैसे दूंगा मैं तेरे को, बस तू मेरे को जिंदा छोड़ दे एक बार, कैसे भी करके छोड़ दे। अले भीम भैया जरा मुझे ये बताओ क्या करना चाहिए अपन को, पैसे चाहिए या फिर इसको छोड़ देते हैं? अबे यार गाइस गाड़ी का तो कुचुम्बर बन गया, ये काल इतना भारी है कि इस गाड़ी के टायर नहीं संभाले जा रहे। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, बस एक बार की मेहनत है, उसके बाद अगर अपन को पैसे मिल गए तो फिर राज करेंगे, मस्त मौज करेंगे भाई, एक बार बस पैसे कमा ले थोड़ा सा। चलो जल्दी चलो, फुल स्पीड से चलो, गाड़ी वाले भैया साइड में हो जाओ। तो गाइस काफ़ी दूर आ चुके हैं एंड अब काल बोल रहा है कि उसका घर यहीं पर ही है, इतना बड़ा सारा गोदाम के अंदर उसने अपने पैसे छुपा रखे हैं। चलो अभी देखते हैं, पता करते हैं एंड देखते हैं काल के पैसे कहाँ पे हैं। उससे पहले सुनो भीम भैया, शिवा भैया, आप जाओ और चारों तरफ देख के आओ, काल के सैनिक लोगों को देखो आखिर वो कहाँ पे हैं। अरे चिंता मत करो कीको भैया, मैं देख के आता हूँ, भीम तुम यहीं पे रहना। तो गाइस मुझे देखना पड़ेगा काल के सैनिक वगैरह कहाँ पे हैं, अगर काल के सैनिक मिल गए तो उनको अभी मार देंगे अपन और फिर काल के सारे पैसे चुरा लेंगे। लिटिल सिंघम भैया को तो पता ही नहीं है कि हम ये करने वाले हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है कि अपन तो उसको लिटिल सिंघम के काल को हॉस्पिटल लेके गए हैं, मगर हम तो उसके अड्डे पे आ गए भाई सारे पैसे वैसे चुराने के लिए। यहाँ पे मुझे दिख तो कोई रहा नहीं है कि आखिर काल के सैनिक वगैरह लाइक संभाला, ग्रैनी, इवल नन, वो सब तो कोई दिख ही नहीं रहा, खाली है रास्ता, अंधभार तो कोई नहीं है। ए कीको भैया, कीको भैया, रास्ता खाली है, काल को छोड़ दो और इसको बाहर निकाल के इसके अड्डे के अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ कीको, शिवा, भीम आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हमारे अड्डे पे, वहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलेंगे तुम्हें, आ जाओ भाई आ जाओ। काल काल एक सेकंड, मैं एक फोन करके आता हूँ, ठीक है एक सेकंड रुकना तुम, ठीक है अभी मत जाना। हेलो हेलो लिटिल सिंघम भैया, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, हम अभी काल के घर पे आए हैं, इस लोकेशन पे एक बहुत बड़ी आर्मी भेजो, हम काल के अड्डे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, काल के अड्डे के अंदर जाते ही हम जो भी पैसे मिलेंगे वो आपकी फ़ोटो भेज दूंगा मैं, ठीक है
और मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लिटिल सिंघम की टीम भेज दो। ये काल ड्रग्स की डीलिंग करता है भाई, ये बहुत बेकार है ये तो। हो, मुझे लगता है ये कीको है ना अपने दोस्तों को हमारे अड्डे की लोकेशन भेज रहा है। अब समझ में आया इसकी चाल ये थी मतलब। चलो इसको तो अब मारना पड़ेगा। रुको मगर एक सेकंड, धीरे धीरे प्यार से बातें करो। हेलो कीको, हाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे फोन पे, क्या किससे बात कर रहे हो फोन पे? अरे नहीं नहीं काल, मैं तो किसी से ही बात नहीं कर रहा यहाँ तो, बस मैं तो ऐसे ही फोन पे देख रहा था नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं तो किसी से ही बात नहीं कर रहा, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। गाइस गाइस गाइस, ये झूठ बोल रहा है, इसको मार के इससे सच उगलवाना पड़ेगा। है रे कीको के बच्चे, इधर इधर, ये पड़ी लात खिंचा करके। क्या बोल रहा था तू, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है भाई साहब। मुझे सच सच बताना, तूने यहाँ की लोकेशन भेजी है ना, बता। देखो गाइस गोली निकाल लिया, गाइस गन निकाल लिया, अब तो पक्का यकीन हो चुका है मुझे। इधर तेरी तो, अब बता गाइस, वो चिंता मत करो दूर है, उनको आवाज भी नहीं जा रही होगी। इसको तो तेरी तो है, यहाँ की सारी लोकेशन भेज दिया अपने दोस्तों को, अब तो ये भाई गोलियां चलाने लग गया मेरे पे। भाई मुझे बच करके संभल करके जाना पड़ेगा। ओ भाई, अगर यहाँ पे सारे के सारे लिटिल सिंघम गैंग आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, मुझे कैसे इससे बचूं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा यार। कीको कहाँ गया? वाह कीको गया, कीको अभी गोली चली ना मेरे पे, कहाँ पे है कीको, कहाँ पे है कीको, कीको है, हेलो कीको। वो देखो भाई छत के ऊपर बैठा है, भाई साहब छत के ऊपर चले गया ये तो। रुको अब छत के ऊपर मारेंगे इसको, तेरी तो है, बता 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 बता, ये मारा खिंचा करके, हमारी सारी लोकेशन भेज रहा था ना, ये मारा तेरे को फिर से। लगता है मुझे इससे बच करके भागना पड़ेगा। अरे यार भागो 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 फुल स्पीड से। भाई ये क्या, पूरी लिटिल सिंघम की गैंग आ गई। अरे यार चारों तरफ से इन्होंने मेरे को घेर रखा है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई यार। ओ भाई मुझे यार जल्दी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है मुझे, मुझे कैसे बचना पड़ेगा। ओ लिटिल सिंघम कीको मारे मत मेरे को, समझा ना, बोला ना। गाइस ये कीको मान ही नहीं रहा मेरे को, मारे जा रहा। सो गाइस काल अभी कीको को पीट रहा है, मगर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, और वो ये है कि काल के अड्डे पे इतनी सारी लिटिल सिंघम की गैंग आ चुकी है, और लिटिल सिंघम की गैंग ने चारों तरफ से लिटिल सिंघम इस काल के अड्डे को घेर लिया है। काल कैसे बचेगा, ये चीज आपको कल के वीडियो के अंदर पता पड़ेगी। तो जल्दी से जिस चीज को भी देखना है पार्ट टू कमेंट कर दो, काल आखिर कैसे बचेगा, कैसे अपने अड्डे को बचाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।